हेलो इन्वेस्टर, वेलकम टू स्टॉक चैलेंज। तो हमारे वीडियो पर आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है। जैसे आपको पता है कि हम यहाँ पर एक से एक बढ़िया पेनी शेयर्स आपके लिए हमेशा लेकर के सजेशन के लिए लेकर के आते रहते, क्योंकि शेयर मार्केट के अंदर इतनी सारी कंपनियां लिस्टेड हैं, वहाँ से एक अच्छा मल्टीबैगर रिटर्न्स देने वाला शेयर खोज करके निकालना बहुत ही मुश्किल बात है दोस्तों, जो आपको अच्छा खासा रिटर्न्स दे सके। तो मैं हमेशा अपने वीडियो पर ऐसे शेयर्स लेकर के आते रहता हूँ जिसने कहीं ना कहीं मल्टीबैगर रिटर्न्स बना करके। तो आज एक और शेयर्स लेकर के हाजिर हुआ हूँ जिसका नाम यहाँ पर आप देखेंगे सभा का बिजनेस मशीनरीज लिमिटेड है। इस शेयर के बारे में आज बात करने वाला और आपको बताने वाला, वीडियो के लास्ट में ऐसा पॉइंट बताऊंगा दोस्तों, वहां से आप इस शेयर के अंदर इन्वेस्ट करने के लिए मजबूर हो जाने वाले। सबसे पहले यहां पर कंपनी का कामकाज देखेंगे तो दोस्तों यहां पर वेरिसिस केमिकल प्रोडक्ट ये कंपनी बनाती है। केमिकल का कामकाज कंपनी का, सभा का बिजनेस मर्चेंटेज इंगेज्ड इन द बिजनेस ऑफ द सेल, देख लीजिए ओडी वेरिसिस केमिकल प्रोडक्ट, तो केमिकल से रिलेटेड ही शेयर है दोस्तों। तो जैसा आपको पता है कि केमिकल से रिलेटेड जो भी स्टॉक्स हैं उनकी प्राइस कहीं ना कहीं हमेशा इंक्रीज होती रहती है, कभी आपने गिरती हुई नहीं देखी, क्योंकि उसकी डिमांड बहुत रहती है। अभी इसका मार्केट कैप पर हम नज़र डालते हैं यहाँ पर फ्रेंड्स, तो आप देखेंगे बहुत ही स्मॉल कैप कंपनी है दोस्तों, सिर्फ 13 करोड़ की कंपनी है, 12 रुपये का स्टॉक। इसका लो और हाई आप देखेंगे दोस्तों तो आपका दिमाग चकरा जाएगा। 2 रुपये का स्टॉक हुआ करता था, 43 रुपये का हाई मारा, आप सोच भी नहीं सकते 2 रुपये के स्टॉक ने 43 रुपये का हाई मार दिया। अब आप यहाँ पर कैलकुलेशन करिए कि अगर आपने इसमें 1000 रुपये लगाया होता तो आपका कितना पैसा यहाँ पर बनता, जल्दी से कमेंट करके मुझे बता देना। आगे हम देखते हैं यहाँ पर फेस वैल्यू 10 रुपये के आसपास है, बुक वैल्यू देखेंगे तो 12 रुपये, तो बुक वैल्यू से थोड़ा सा ऊपर स्टॉक उसके आसपास ही ट्रेड कर रहा, सबसे अच्छी बात है। आरओई देख लीजिए 3.26% है, आरओसी देख लीजिए 4.53। तो जिस तरीके के फंडामेंटल्स एक बड़े स्टॉक के होते हैं उस तरीके के फंडामेंटल्स आपको इस पेनी शेयर के आपको देखने के लिए मिल रहे हैं। वही मैक्सिमम चार्ट पर आप नज़र डाल लीजिए, जब कंपनी लिस्ट हुई थी 11 रुपये के आसपास लिस्ट हुई थी, इसने 236 रुपये का हाई मारा है दोस्तों। आप देखेंगे कंपनी का बहुत ही शानदार कंपनी का काम करता, फिर नीचे गिरी, उसके बाद में सेकंड हाई 204 रुपये का मारा, फिर ये नीचे गिर गई और 2016 के एंड में अगर आप देखते हैं सिर्फ पेनी शेयर बनकर के रह गई फ्रेंड्स। तो ऐसा क्या हुआ है कंपनी में कि ये इतनी मल्टीबैगर कंपनी थी और ये पेनी शेयर बनकर के रह गया, तो ये हम यहाँ पर बात करेंगे आगे। उससे पहले आप देखेंगे यहाँ पर कंपनी बाउंस बैक कर रही है, तो जो इसके हाई थे ये 2 हाई आप देख रहे हैं तो बिल्कुल पेनी शेयर थी, आप देख रहे हैं एक लीडी में चल रही है लेकिन ये फिर से बाउंस बैक कर रही है। तो आप कह सकते हैं जो इसका हाई है ये दोनों हाई को यहाँ पर ब्रेक करने की तैयारी में कंपनी, बहुत ऊपर जाने वाली है। वह इसके प्रोस और कॉन्स पर हम नज़र डाल लेते हैं तो देख लीजिए कंपनी ऑलमोस्ट डेप्थ फ्री है, कोई कर्ज नहीं है कंपनी पर और इसकी बुक वैल्यू जो है बहुत ही शानदार है। वहीं पर इसके कुछ कॉन्स भी हैं, कॉन्स पर अगर आप नज़र डालते हैं तो उतना प्रॉफिट कंपनी ने नहीं दिया है, डिविडेंड पे नहीं किया है, एक नेगेटिव पॉइंट। वहीं प्रमोटर्स की होल्डिंग्स जो डिक्रीज हुई है -9%, तो यही कारण है कि स्टॉक में गिरावट हुई है। वहीं पर प्रमोटर्स की होल्डिंग्स काफ़ी लो है, ये दूसरा कारण है, और पिछले 3 साल का रिटर्न्स कंपनी का नेगेटिव है, ये भी एक कारण है कि कंपनी का शेयर्स का प्राइस यहाँ पर गिरता हुआ आपको देखने के लिए मिल रहा है। वहीं पर क्वार्टरली रिजल्ट की हम बात करेंगे यहाँ पर फ्रेंड्स, कंपनी की सेल्स 2019 से देखेंगे तो अच्छी खासी थी, फिर सितंबर में बिल्कुल नहीं हुई है, मतलब 0.01% के आसपास इसकी सेल्स हुआ करती थी और बीच में आप देखेंगे बिल्कुल ना के बराबर। लेकिन पिछले क्वार्टर की बात आप कर लीजिए तो जब से कंपनी की लिस्टिंग हुई सबसे अच्छा क्वार्टर इसका पिछला क्वार्टर ही गया है यहाँ पर, तो इसका सबसे अच्छा पॉजिटिव पॉइंट पॉजिटिव थिंक है कि कंपनी ऊपर की तरफ ले जा रही है और आपके पैसे को बढ़ा रही है। वहीं इसका नेट प्रॉफिट पहले माइनस में होकर था, धीरे 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 बढ़ा है, बीच में ही माइनस गया, उसके धीरे धीरे इंक्रीज़ होते हुए आप देखेंगे जब लास्ट का क्वार्टर 0.22 करोड़ रुपये पर आकर के अटकता हुआ आपको ये दिखने वाला है यहाँ। वहीं इसके साथ ही प्रमोटर्स की होल्डिंग्स की बात करेंगे शेयर होल्डिंग पैटर्न्स के अंदर, तो यहाँ पर एक नेगेटिव पॉइंट आपको देखने के लिए मिलने वाला है कि शुरू में प्रमोटर्स की होल्डिंग्स 32% हुआ करती थी, जो कि यहाँ पर घटते घटते आप देखेंगे तो सिर्फ और सिर्फ 23% हो गए। दिसंबर 2021 तक ये 32% थी लेकिन यहाँ पर मार्च में देखेंगे तो 23% रह गए। वहीं पब्लिक की होल्डिंग्स में इजाफा हुआ है, 67.40 के आसपास की होल्डिंग्स थी, वहीं 76.53 के आसपास पब्लिक की होल्डिंग्स हुए थे, पब्लिक ने बहुत विश्वास जताया इस कंपनी पर, यही कारण है कि शेयर ऊपर की तरफ ये गया है। अभी हम यहाँ पर इसके मैक्सिमम चार्ट की बात तो हमने कर ली, वन डे रिटर्न्स पर देखते हैं अगर तो 1% का लॉस है। वहीं 1 वीक देखेंगे 6-7% के आसपास के लॉसेज आपको देखने के लिए मिल जाएंगे, 1 महीने में 26% का लॉस कंपनी ने यहाँ पर करा है, क्योंकि पूरा स्टॉक मार्केट क्रैश हुआ है, सारी की सारी स्क्रिप्ट गिरी है तो उसका असर सारे स्टॉक पर पड़ा है। लेकिन अब आप यहाँ पर देख लीजिए मज़े की बात,
एक साल के रिटर्न्स कंपनी के 400% के आसपास के एक साल के रिटर्न्स है। अगर आपने इसमें 1,000 रुपया लगा दिया होता तो आपका 4,000 रुपये हो जाता है यहाँ पर, ठीक है। लेकिन अगर आपने इसमें 1,00,000 रुपया लगा दिया होता फ्रेंड्स, तो आपके 4,00,000 रुपये इस कंपनी ने बना दिए होते सिर्फ और सिर्फ एक साल के अंदर। तो आप कैलकुलेशन कर लीजिए कितना परसेंट कंपनी ने रिटर्न्स यहाँ पर बना करके दिया। वहीं 3 साल की बात करेंगे तो इससे भी शानदार रिजल्ट निकलेंगे, 764% के रिटर्न्स इसने बना करके दिए। तो आप सोचिए कितना गुना आपका पैसा। 5 साल की बात करिए तो 374% के रिटर्न्स है। तो ओवरऑल हम यहाँ पर कहेंगे कि 3 साल के अंदर, 3 साल के अंदर जो कंपनी ने रिटर्न्स दिए हैं वो बहुत ही हाई रिटर्न्स दिए हैं। जो एक बड़ी लार्ज कैप कंपनी होती है वो भी इतने रिटर्न्स आपको कभी निकाल करके नहीं देती है, क्योंकि उसका प्राइस जितना जाना होता ऑलरेडी जा चुका होता है। लेकिन पेनी शेयर में क्या होता है कि कुछ भी हो सकता है, कितना भी कंपनी हाई जंप यहाँ पर मार सकती है। तो 3 साल के अंदर के रिटर्न्स 800% के आसपास के, अगर 1,00,000 रुपया किसी ने लगाया होता तो 8,00,000 रुपये यहाँ पर उसके बन जाते। अगर किसी ने 10,000 रुपये लगाए होते तो 80,000 रुपये उसके यहाँ पर 3 साल के अंदर बन जाते। तो जैसा कि आपको पता है पेनी शेयर काफ़ी रिस्की होते हैं, आपके पैसे को 10 गुना भी कर सकते हैं। सबूत आपके सामने यहाँ पर देख सकते हैं, 8 गुना पैसा इसने बना करके दिया, वहीं आपके पैसे को 0 भी कर सकते हैं। तो आपको किसी भी पेनी शेयर में इन्वेस्ट करना है तो खुद से रिसर्च करने की आपको ज़्यादा ज़रूरत है। किसी भी वीडियो के बेसिस पर आपको यहाँ पर इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। परफॉर्मेंस पर नज़र डालिए, टुडेज लो और हाई पर 13 रुपये का हाई था और यहाँ लो 12.35 का था। तो हाई से थोड़ा सा पीछे कंपनी गई, वहीं 52 वीक लो पर आप देखेंगे तो 2 रुपये के आसपास हुआ करता, 43 रुपये का हाई मारा था इसने, और अभी हाई से इतने पीछे जा करके सिर्फ और सिर्फ 12 रुपये के आसपास आपको 43 रुपये का स्टॉक 12 रुपये मिल रहा है, और वापस आपको ब्रेक करता हुआ दिखेगा इसका हाई। तो आप सोच लीजिए आपको कितना परसेंट रिटर्न्स देने वाला है। तो इस स्टॉक से अगर आप इंटरेस्टेड हैं, आप इसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो ज़रूर से कमेंट बॉक्स में मुझे बताना, और इसका प्रॉफिट की भी बात कर लेंगे। तो प्रॉफिट मेकिंग कंपनी लगातार प्रॉफिट करती है, भले ही थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट कर रही है ये आप देख सकते हैं, लेकिन प्रॉफिट कर रही है, लॉस नहीं कर रही। तो 100% कहीं ना कहीं आपके पैसे को 2 गुना 3 गुना ये कर करके दे सकती है, और इसकी नेटवर्थ जो है 12-12.5 करोड़ के आसपास आपको देखने के लिए मिल जाएगी। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर से करना, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि आने वाले ऐसे ही वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो सके दोस्तों।